सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुधनिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुधनिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लैपटॉप कौन सा लेना है आपको? एचपी का लेना है, डेल का लेना है, एसर का लेना है, लेनोवो को लेना है या फिर आपको एप्पल का लेना है? ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लैपटॉप लेने से पहले और दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि कौन सी कंपनी का लैपटॉप लिया जाए। इवन जब आपके सामने बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल हैं, जब आपके सामने बहुत सारी कंपनियों का ऑप्शन होता है तो उसके लिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर कौन सा लैपटॉप लिया जाए, कौन सा लैपटॉप बेटर है। अगर आप किसी शॉप पर लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपको कौन सी कंपनी का लैपटॉप लेना है सर, या फिर आपको रैम कितना चाहिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, हार्ड डिस्क कितने जीबी की चाहिए, आपको 500 जीबी की चाहिए, 1 टीबी की चाहिए या फिर आपको 2 टीबी की चाहिए। इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 चाहिए, आपको 10 चाहिए या फिर आपको डॉस बेस्ड सिस्टम चाहिए। आप किस लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं? आप गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं, पर्सनली वर्क ऑफिस के लिए आप लैपटॉप लेना चाहते हैं, या फिर आप अर्ली वर्क करने के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं, जल्दी से आपके काम निपट जाए इस टाइप का आप लैपटॉप लेना चाहते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे एक शॉपर भी पूछता है और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चलते हैं कि आखिर मैं कौन सा लैपटॉप लूं जो मेरे लिए सबसे बेटर साबित हो। तो दोस्तों, अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन निकल के सामने आता है वो आता है लैपटॉप लेना क्यों है। गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो आपको आपने सोचा कि यार मुझे लैपटॉप लेना चाहिए गेम खेलने के लिए, या जैसे आप स्टूडेंट हैं और उसके लिए कोई हैवी सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहते हैं, जैसे आप रिलेटेड टू एनिमेशन मीडिया, तो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं क्योंकि आपको जो मीडिया के लिए है और जो एनिमेशन के लिए बहुत ही लेंथी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो आपको चुनाव करना है वो लैपटॉप का अपने वर्क के हिसाब से चुनाव करना है कि मुझे किस काम के लिए लैपटॉप चाहिए, उस हिसाब से आपको लैपटॉप लेना है। तो सबसे पहले बात आती है रैम की, आप रैम कितना जीबी लेना चाहते हैं, 2 जीबी 4 जीबी 8 जीबी, तो वो भी आपका लैपटॉप के हिसाब से डिपेंड होता है। अगर आप जैसे 4 जीबी की रैम लेना चाहते हैं तो आपको i3 प्रोसेसर लेना चाहिए। जैसे आपने 8 जीबी का रैम ले लिया और आपका जो प्रोसेसर है वो i3 है तो वो उस उतना लोड नहीं झेल पाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है कि वो 4 जीबी तक की रैम का लोड झेल पाए। जैसे आप चाहिए कि मुझे तो 8 जीबी लेना है तो फिर आप i5 ले सकते हैं। जैसे मैंने बात की कि आपको किस लिए लैपटॉप चाहिए तो वर्क के हिसाब से लैपटॉप वो आपको लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर आपको किसी पर्सनल वर्क के लिए लैपटॉप लेना है, जैसे वर्ड में काम करना है, एक्सेल में काम करना है, नॉर्मली आपको वर्क करना है तो इस चीज के लिए आपका 2 जीबी से काम चल जाएगा। अगर इसमें आप संतुष्ट नहीं है तो आप 4 जीबी रैम ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ज्यादा महंगा लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है और आप AMD प्रोसेसर में भी जा सकते हैं। अब इसमें बात आती है AMD प्रोसेसर और इंटेल के प्रोसेसर। अगर आप 20,000 के समथिंग लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप AMD में जा सकते हैं क्योंकि AMD में जो 20,000 से नीचे के लैपटॉप होते हैं वो बेटर मिलते हैं आपको। अगर आप 20,000 से ऊपर का लैपटॉप लेना चाहते हैं तो उसमें आपको इंटेल सजेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि 20,000 से जो लैपटॉप ऊपर की रेंज के हैं उसमें AMD वर्क ठीक से नहीं करता है। अब अभी बात चल रही थी यहाँ पे कि ऑफिस से रिलेटेड लेना है, ज्यादा हैवी वर्क के लिए नहीं लेना है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 जीबी तो रैम हो गया। अब आता है प्रोसेसर का, तो प्रोसेसर आप i3 आराम से ले सकते हैं क्योंकि i3 में जो है 2 जीबी और 4 जीबी तक झेलने की क्षमता होती है और वो ठीक है, आपका i3 में सारा ऑफिस का जितना भी काम है वो करता है और i3 बहुत ही आपका बेस्ट प्रोसेसर हो जाएगा आपके लिए। तो ये तो हो गया प्रोसेसर का कि आपने i3 चलो ले लिया इसके लिए। अब इसमें हार्ड डिस्क कितना लेना है, आप सोच रहे हैं कि मेरे को बहुत ज्यादा बड़ा हार्ड डिस्क लेना है, 1 टीबी 2 टीबी लेना है, तो मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा हार्ड डिस्क लेने के लिए क्योंकि जो आपका ऑफिस वर्क है वो आपका 250 जीबी या फिर ज्यादा से ज्यादा आपको 500 जीबी तक सही रहेगा। अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप विंडोज 7 है, विंडोज 10 है और आप डॉस बेस भी है। इसमें दो चीज मिलती है आपको, अगर आप विंडोज 7 लेते हैं या विंडोज 10 लेते हैं, आजकल ज्यादातर विंडोज 10 ही आ रहा है सारे लैपटॉप में, तो अगर आप विंडोज 10 लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा और अगर आप डॉस बेस लेते हैं तो आपके 4-5 हजार रुपए कम हो जाएंगे क्योंकि जो है डॉस बेस जो सिस्टम होता है जैसे लाइनेक्स वगैरह उसमें वो डाल के देते हैं तो वो क्या होता है, वो फ्रीवेयर होता है, इसलिए आपको वो सस्ता मिल जाएगा। अगर आप विंडोज 10 लेंगे तो आपको 4-5 हजार रुपए महंगा मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विंडोज 10 न लेने की बजाय आप डॉस बेस भी ले सकते हैं और विंडोज 10 जो है वो आप बाद में कहीं से भी उसको अपग्रेड कर सकते हैं विंडोज 10 में, या फिर जो नॉर्मली यूज करने के लिए आप विंडोज 7 भी डाल सकते हैं अभी फिलहाल।
तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। इस तरीके से आपको जो सिस्टम जो आपका लैपटॉप तैयार होगा वो आपको सस्ता मिलेगा और आपके ऑफिस वर्क के लिए अच्छा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं गेमिंग के लैपटॉप के लिए। अगर आपको गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना है तो वो थोड़ा आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको रैम भी बढ़ के लेना पड़ेगा। जैसे आपको रैम कम से कम 8 GB लेना पड़ेगा, क्योंकि गेम तो कई तरीके के होते हैं। जैसे सिंपल गेम भी होते हैं, कुछ हाई परफॉर्मेंस वाले भी गेम होते हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपको 8 GB प्रीफर करूंगा। और जो प्रोसेसर की बात आती है उसमें आपको i3 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि i3 तो आपको नॉर्मल वर्क के लिए हो गया। और जो हैवी परफॉर्मेंस वाले गेम होते हैं उसके लिए आपको कम से कम i5 तो लेना ही लेना पड़ेगा। या मैं सजेस्ट करूंगा जो लेटेस्ट है जैसे i7 है तो आप i7 की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है, थोड़ा बजट लो है, तो आप i5 ले सकते हैं। i5 को मैं प्रीफर करूंगा। i5 बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे आपको हैवी गेम खेलना है या कोई हैवी सॉफ्टवेयर चलाना है तो वो i5 में वो आपके साथ रहे सॉफ्टवेयर जो हैवी सॉफ्टवेयर है वो भी वर्क करेंगे, वो भी चलेंगे, और आपका जो हैवी गेम है वो भी आप आराम से खेल सकते हैं। अब इसमें बात आती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको तो केवल गेम ही खेलना है ना। और इसके लिए आप जो लैपटॉप ले रहे हैं वो डॉस बेस्ड ही लें, इसमें क्या होगा आपके 4-5 हजार रुपए बच जाएंगे। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात आती है इसमें ग्राफिक्स की। अगर आप हैवी गेम खेलते हैं और हैवी कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो इसके लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड का होना जरूरी है। कम से कम 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें ग्राफिक्स कार्ड जरूर लें और उसका ध्यान रखें। लैपटॉप लेने से पहले उसमें सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप पढ़ें, उससे पूछ लें भाई पहले ही दुकानदार से कि भाई इसमें ग्राफिक्स कार्ड है कि नहीं। कम से कम 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड तो होना ही मांगता है। अब दोस्तों ये तो हो गया आपके वर्कलोड पर कि किस तरीके से आपका जो वर्कलोड था उस हिसाब से आपको रैम का सिलेक्ट करना है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेक्ट करना है और प्रोसेसर का भी उसमें सिलेक्शन करना है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल की कंपनी का, HP का लूं, एसर का लूं, डेल का लूं या फिर लेनोवो का लूं। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जो कंपनी है वो सबसे बेटर सर्विस देता है, क्योंकि ये तो रेट हो गए आपके जैसे रैम का, प्रोसेसर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो मैंने बताया कि इस तरीके से आपको लेना है किस काम के लिए कौन सा। कंपनी का सिलेक्शन इसलिए करना है आपको, इसके तो आपको व्यूज देखने पड़ेंगे, रिव्यू देखने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस की कि कौन सा बेटर सर्विस देता है आपका कंपनी। जैसे अगर आपका डेल का कंपनी आपके सिटी में अच्छा सर्विस देता है तो आपका डेल को लेना चाहिए। आपका HP का आप ले सकते हैं, अगर उसका सर्विस अच्छा है तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा सर्विस है HP का। डेल का भी अच्छा सर्विस है, उसके साथ लेनोवो का भी बेटर सर्विस है और अच्छा परफॉर्मेंस भी करता है। अब दूसरी चीज आती है कंपनी के कि आपको क्यों कंपनी HP लेना चाहिए या क्यों कंपनी आपको लेनोवो लेना चाहिए। तो उसमें आता है लैपटॉप के परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे HP का पहले बताया जाता था कि बहुत ज्यादा हीटअप करता है, और HP वाले ने अपना जो लैपटॉप है काफी अपग्रेड किया है। उसमें जो हैंगिंग की प्रॉब्लम थी, जो हीटिंग की प्रॉब्लम बहुत ही कम हो गई है। इस टाइम पे मेरा मानना है कि जो HP है वो नंबर 1 लैपटॉप है आपके मार्केट में। इस टाइम आप पता करना तो HP आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला लैपटॉप मिलेगा इस टाइम पे। दूसरे नंबर पे आता है मेरे हिसाब से तो वो लेनोवो आता है। लेनोवो बेटर एक ऑप्शन साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है, जो उसका सर्विस है वो भी बेटर है, और उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो भी अच्छी है। ज्यादा हैंग नहीं होता है, ज्यादा हीटअप भी नहीं करता है, तो इसलिए बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए लेनोवो। डेल भी अच्छा है, बाकी के लैपटॉप इस दौर में नहीं है मेरे ख्याल से। तो इन तीनों की टक्कर बहुत ही ज्यादा चल रही है और मार्केट में भी इन्हीं का ज्यादा चलन है। तो आप इनमें से तीनों कंपनियों में से कोई सा भी ले सकते हैं। एक और सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात होती है लैपटॉप लेते समय कि भाई ये i3, i5, i7 और ये 8th generation, 6th generation ये सब क्या होते हैं। इनको लेने में भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं i3 लेना चाहता हूँ उसमें जनरेशन कौन सा लूं, i5 लूं, i6 लूं, i7 लूं, i8 लूं। आजकल जो मैं करेंट में बता रहा हूं आपको i9 तक आ गए हैं। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जनरेशन का मतलब यही है कि हर साल जो कंपनी लैपटॉप बनाती है उसमें कुछ अपग्रेडेशन करती है। उसमें क्या अपग्रेडेशन करती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करती रहती है कंपनी। तो जो ये जनरेशन होता है उसमें जो ट्रांजिस्टर होते हैं, इसमें लैपटॉप में छोटे छोटे सर्किट होते हैं, तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, उन जो ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी है उनको बढ़ाया जाता है। और किस प्रकार से उनको नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ज्यादा नैनो किया जाता है। उससे क्या होता है, जो आपका बैटरी का पावर कंजप्शन है वो कम होता है, उससे आपका बैटरी ज्यादा चलता है, आपके लैपटॉप की पावर बढ़ती है और आपका वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। तो इन जो जनरेशन में है यही सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार से हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको बेटर टू बेटर बनाया जाए। अब दोस्तों सबसे जो अहम बात आती है प्रोसेसर की। प्रोसेसर जो होते हैं 12 कोर, कोर 2 डू, i3, i5, i7,
करंट में जैसे अभी i9 तक आ गया है दोस्तों, तो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आखिरकार ये जो प्रोसेसर है इसमें क्या अंतर है, इसमें होता क्या है ऐसा। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ऐसा होता है कि जैसी पावर होती है ये प्रोसेसर की, उसकी काम करने की क्षमता होती है कि कितना इसमें पावर है काम करने के लिए और कितना ये पावरफुल है। तो जैसे 12 कोर हुआ, कोर 2 हुआ, i3 हुआ, i5 हुआ, i7 हुआ। तो दोस्तों पहले क्या, जैसे कोर 2 आता था, 12 कोर आता था, कई सारे थे, एटम का भी था और उसका आपका एएमडी का भी आता है। इनमें क्या है, जैसे आप देखते हैं ना कि कहते हैं कि कई लैपटॉप में हीटिंग की प्रॉब्लम है, कई लैपटॉप में हैंगिंग की प्रॉब्लम है, तो ये सब क्या है, एक प्रोसेसर की वजह से है। उसमें जैसे जितने ज्यादा कोर होंगे वो उतना ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करेगा। जैसे i3 है, उसमें 12 कोर है, उसमें क्या है, 2 कोर दिए हुए होते हैं i3 के अंदर, यानी कि उनमें डबल शक्ति है काम करने की क्षमता है उसमें, कि उसको वो हैंगिंग, जो हैंगिंग की प्रॉब्लम है, हैंग नहीं होने देगा और आपका सिस्टम को हीटअप नहीं होने देगा। अब जैसे आया i3 के बाद i5, i7 और करंट में अभी i9, तो इनमें क्या है, इनमें ये जो कोर है उनको बढ़ाया गया, जैसे 2 से 4 किया, 4 से 6 किया और 6 से 8 किया। तो इससे क्या है, इसकी पावर बढ़ेगी आपके प्रोसेसर की, आपका लैपटॉप जो ज्यादा काम करेगा, हीटअप नहीं होगा, हैंग नहीं होगा। तो सीधा सा हिसाब है कि जो प्रोसेसर है उसमें होता है कोर, और कोर क्या होता है, आपका पावर, आपका माइंड होता है कोर। उसमें जैसे 2 कोर है तो डबल माइंड हो गया, तो डबल तरीके से काम करेगा। 4 कोर है तो 4 माइंड हो गए, तो 4 गुना वो काम करेगा, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी हैंगिंग की प्रॉब्लम, उसकी हीटिंग की प्रॉब्लम सारी कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्रोसेसर के जो वर्जन है वो किस तरीके से काम करते हैं, उनमें मेन क्या होता है, उनमें कोर होते हैं। इस तरीके से आप एक मैनेजमेंट बिठाएंगे लैपटॉप लेने के लिए, तो उसमें क्या है, आपका प्राइस में भी डिफरेंस आएगा, आपका पैसा भी बचेगा। तो दोस्तों ये तो बहुत सारी चीजें थी जिनको जानने की भी जरूरत थी कि भाई प्रोसेसर ऐसा क्यों होना चाहिए, इंटेल का क्यों होना चाहिए, एएमडी का क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने सारी चीजें आपको पूरी ओवरऑल बता दी है, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, हर चीज की मैंने आपको जानकारी दे दी है लैपटॉप से रिलेटेड। कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है लैपटॉप से रिलेटेड या फिर डेस्कटॉप से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हम डेस्कटॉप की भी आपको पूरी जानकारी दे देंगे, भाई ये कितने का मार्केट में मिल रहा है, प्राइस भी आपको बता देंगे, आपको सेकंड हैंड भी मिलेगा तो कहां से मिलेगा उसका प्राइस का भी जानकारी दे देंगे, तो पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते हैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो। अगर और भी किसी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें भेज दीजिए, तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, तो आपके सामने वो वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।